हम लोग भी सुबह से काम कर रहे थे, तो हालत ख़राब हो गया, पाव गंदा हो गया, हमारे घास पट्टी पड़ी है, तो गरीब नवाज की तरफ मट्टी डाल दी है। ये देखो अभी इधर भी लेबर करेंगे, रात भर के अंदर बहुत काम चालू है शूटिंग का। तब तक हम लोग भी इधर काम कर रहे हैं, हीरा भाई के इधर भी बहुत काम किए। पूरे रास्ते तक डाले हुए एकदम मट्टी जबरदस्त। अभी सिर्फ इधर थोड़ा अवेलेबल करना बाकी है। आज देखो पूरे दिन भर में हम लोग ने ना ये किया, हीरालाल टपरी हीरालाल का दुकान की इधर सब हम लोग ने आज मट्टी वट्टी डाला। इधर हालत ख़राब हो गई, ये जीसीबी डंपर साला अभी आया, इतना हालत ख़राब कर दिया यार, पूछो मत। फिर यहाँ पर थोड़ा बाकी है बस। कौन रहे? अयो इधर छक्का भी आया रे बाबा, इनको लेके आ रहे इधर काम पे। फिर अभी अपने उधर डालना बाकी है अंदर में थोड़ा। हाय, मैं हूँ फारूक पेंटर। मैं हमेशा की तरह काम करता हूँ, कुछ भी कहो कैसा भी हो। एक्चुअली मेरा काम ही है ये यूट्यूब चैनल बनाना, क्योंकि कारण ये है कि हम मेहनती है, हम पेंटर ही है, और जो भी ये मातड़ का काम हो, हमाले का काम हो, या मट्टी का, या खेती का, या कुछ भी काम हो हम करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें काम करने का अनुभव इसकी कारण ये है कि क्योंकि लोग हमें पसंद करते हैं, क्योंकि हम मेहनती बहुत है। और ये आदमी देखो काम तो करते नहीं, सिर्फ सुरती घसते रहते। ये देखो आदमी सुरती घस रहे, हाँ ये देखो ये आदमी का काम सिर्फ सुरती घसने का। अभी ढंग का लगा है और कुछ ही समय पे इन देखो मोबाइल पर पटक पटक दे, वो बोले कितना मोबाइल, इतना हल्का है मोबाइल पटक देंगे, क्या आदमी है। तो फिर चलो फिर नहीं, तब तक लिए अभी हमारा पूरा वीडियो अभी बनने का पूरा ये नहीं हुआ है, तब तक फिर हम वीडियो बनाएंगे। अभी इतना सा बाकी है। चलो चलो देखो अभी तक इतना हुआ है। अभी लंच का टाइम, छुट्टी हो गई है फिलहाल। अभी हम लोग लंच में खाना खाएंगे, फिर लंच के बाद में छुट्टी होने के बाद में फिर हम लोग दोबारा जो इतना थोड़ा बचा हुआ है यहाँ पर भी हम लोग इतना करेंगे, इतना जो बचा कुचा रहता है वो हम लोग बाद में फिर दोबारा फिर सेटिंग करके फिर उसका लेबल करके फिर फिनिशिंग देंगे बहुत अच्छा एकदम पेंटिंग के साथ पुट्टी लगा के। क्या बोलते हैं भैया? दिमाग टेंशन में साला पड़ा हुआ है। और से
राकेश भाई के झोपड़े के अंदर मिंटा जाके एकदम मजे से डाल दिए, बहुत भारी काम हो गया। हाय देखो, ये जो है हमारे आसमान है, ये आसमान से एलियन उतरने वाला था इस जगह पे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ का प्लान थोड़ा अलग हो गया। तो चांद मामा और सूरज और तारा और सब आकाश और अंधेरा जो बादल थे, वो एक्चुअली यहाँ पर जो उनका जो मीटिंग हुआ था आसमान में, उनका प्लान था कि यहाँ पर जो है नीचे एलियन उतरने का प्लान था, तो लेकिन एक्चुअली एलियन उतरा नहीं, कि एलियन ने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भेजे ये, ताकि हम लोग अपने अपने घर में बसाए सकें। और यहाँ पर जो बबलू भाई की कैंटिंग जो बहुत ही अच्छे तरह से हो चुका है ऑलरेडी, हमने जो है इसका बहुत ही अच्छे से लेबल किया, अब पूरा जो हमारे मट्टी वट्टी डाल के बाद में हमने जो इसको अच्छे से लेबल करके जीसीबी मंगा के यहाँ पर सबको सिक्योरिटी किया है। हमारे अभी इसलिए फ़िलहाल गरीब नवाज़ के यहाँ पर बाकी है, एक्चुअली गरीब नवाज़ के यहाँ पर इसलिए बाकी क्योंकि गरीब नवाज़ जो है हमारे वो बहुत बड़े इंसान है, मतलब बहुत बड़े सेठ है, उनका थोड़ा सिस्टमेटिक थोड़ा अलग तरीक़े से वो जाएंगे आसमान पे, वहाँ सूरज विष्णु भगवान के वहाँ पर जाके मंदिर में जाके उनसे परमिशन लाएंगे, तब जाके अवेलेबल करेंगे। तब के लिए हमें 100 साल गुजर जाएंगे, क्या पता भरोसा होगा कि नहीं। चलो फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे लाइक करना। चलो भाई फिर मिलेंगे, बाय। तुम तो देखो फिलहाल अभी एक्चुअली जो हमने बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर मट्टी डाल के बाद में बहुत ही अच्छा इसको पक्का किया है, फिर इतना है कि हमारे जो यहाँ के जो कैंटिंग वाले हीरा भाई है, अभी उनको इसको पक्का करने का अनुमति मिला है, मतलब आरसीसी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका आरसीसी कॉन्ट्रैक्ट करने का ये है कि जब तक उनको मोदी सरकार से पैसा नहीं मिला तो तब तक आरसीसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार से मिलने वाला पैसा बराबर खालू बोलने वाले परमिशन देने वाले, तो तब तक के लिए हम इसको फिर एक वीडियो डाल के बाद में फिर बनाएंगे वापस से सिस्टमेटिक, यहाँ पर समझा करो।